उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री आज मेरठ पहुंचे और उनका भव्य स्वागत और सत्कार हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार विकास और विध्वंस में बराबर काम कर रही है, इसमें किसी को कोई शक और शुभ नहीं होना चाहिए। सर, आज आप मेरठ आए हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या कहना है? जी, मेरठ आकर के मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पुलिस की नौकरी में मेरी पहली पोस्टिंग मेरठ में थी। सीओ हस्त मवाना, सीओ सदर, सीओ सिविल लाइन आदि, और यहीं सर्किट हाउस के सामने पुलिस लाइन में मेरा आवास हुआ करता था। तो मेरठ आना हमेशा घर आने के बराबर है, और आज मुख्य रूप से दो कार्यक्रम हैं, दोनों विश्वविद्यालय में हैं। एक कार्यक्रम रखा गया है अनुसूचित जाति समाज द्वारा, और दूसरा कार्यक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय का है, जो कि तिरंगा अभियान के लेकर के है। इसके अलावा और आपसे सबसे मिलने का मौका मिलेगा। मेरठ आना हमेशा बड़ी खुशी की बात है, और ख़ासकर आज जो चर्चा परिचर्चा होगी कि किस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं, खासकर मेरा विभाग समाज कल्याण का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे लोग जो विकास की राह में एक या दो कदम पीछे हैं, उनको कैसे तेज़ी से आगे लाया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई कमी है, कोई गैप है, उसको दूर कर रहे हैं, और साथ साथ कॉल सेंटर बना करके वृद्धजनों की मदद कर रहे हैं। जैसे कि किसी की पेंशन नहीं आई है, उनका आधार से लिंक नहीं हुआ, तो हमने एक नंबर दिया है 14567, 14567, उस पर बताएंगे और उनके घर जा कर के सरकारी कर्मचारी पहुंचेंगे और उनका पूरा काम करा देंगे। तो सरकार आपके द्वार की नीति पे काम चल रहा है। लगातार खबरें चल रही हैं, त्यागी समाज जो लिखने के लिए एक रोष है, जो बीजेपी कर रही है, उसमें सवाल उठाए हैं जी, त्यागियों को बदनाम किया जा रहा है श्रीकांत को लेकर।